अपनी उलझनों में उलझी परी ढूंढ रही है अपने सवालों के जवाब। योगी का जवाब सुनने को परी है बेहद बेकरार। परी परेशान है और खुद से नाराज भी है। योगी के जवाब का उनको अब तक इंतजार है। आप सब तो जानते ही हैं कि परी मैडम ने लड़ाई झगड़े में योगी से अपने दिल की बात कह दी है, लेकिन अपने दिल की बात कहकर भी परी खुश नहीं है। भला खुश हो भी तो कैसे, क्योंकि अभी तक योगी ने अपने प्यार की कंफर्मेशन जो नहीं दी है। इसी बेचैनी की वजह आज परी अपने हॉस्पिटल की दोस्त से शेयर कर रही है। परी की दोस्त अभी भी परी को यही समझाने में लगी है कि परी ने जो भी किया है वो सही है। इस कन्फेशन के बाद भी परी के दिल का बोझ कम नहीं हुआ है। परी को अब ये फिक्र सता रही है कि कहीं योगी से उनकी दोस्ती भी ना टूट जाए। अगर उसे मुझसे प्यार होता तो वो मुझसे कह देता, तो छिछुआ रहा है उसको रो पाना ना उसकी बच्ची बात ही नहीं। तो चलिए अब आपको परी के पास लेकर चलते हैं और उन्हीं से जान लेते हैं सीन में क्या कुछ चल रहा है। She's like, I'm so frustrated, मैंने ऐसा क्यों कह दिया उसको ये वो, तो she's like, तो प्यार करती हूँ, like, प्यार मैं। This is the scene कि वो मुझे realize करवा रही है कि yes, you are in love with him. तो you need to understand that. तो वही सीन चल रहा था। वेल परी, आपकी दोस्त ने तो आपको काफी अच्छे तरीके से समझाया है, तो क्या आपकी परेशानी अब थोड़ी कम हुई है? परेशानी तो तब ख़त्म होगी ना जब मैं योगी के साथ बैठ के बातें करूँगी इस मैटर में, एंड योगी का भी रिप्लाई आएगा जो कि अब तक आया है नहीं। वैसे परी, ऑडियंस को भी योगी के जवाब का बेसब्री से इंतज़ार है। ये इंतज़ार अभी और कितना लंबा होने वाला है? बेकरार रही है, बहुत अच्छा खासा कुछ आने वाला है। फिलहाल तो परी को उनकी दोस्त ने समझा लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में योगी को परी से प्यार होने लगा है, या फिर ये एक तरफा प्यार इनके दोस्ती के रिश्ते को भी खराब करने वाला है। मुंबई से शिल्पा पाटिल की रिपोर्ट, E24।